नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल लव गुरु एमके में। मेरे प्रियजनों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ नींबू से वशीकरण। नींबू से वशीकरण करने का तरीका, नींबू से कैसे करें वशीकरण। अगर आप भी जानना चाहते हैं नींबू से वशीकरण करने का तरीका, ये कैसे किया जाता है और इससे आप किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये आज मैंने अपनी वीडियो में बताया है, जिसे आप देखना मत भूलें। क्योंकि अगर आप परेशान हैं किसी बात को लेकर, तो फिर आज की हमारी वीडियो नींबू से वशीकरण आपके लिए बड़ी उपयोगी साबित हो सकती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल लव गुरु एमके को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक को आगे लेकर। नींबू को घर की रसोई में उपयोग किया जाता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि नींबू काला जादू या टोटका करने में बहुत ही प्रभावशाली होता है। नींबू का उपयोग व्यापक रूप से काले जादू में होता है। नींबू से एक नहीं बल्कि अनेक बातों के लिए टोटका किया जाता है। अपने दोस्त में वासना, जुनून और प्यार लाने में, प्रेम संबंधों और यौन संबंधों में अच्छा भाग्य लाने में, जादू मंत्र में प्रयुक्त नींबू जादुई उपयोग की एक वस्तु है। नींबू का प्रयोग आप अपना प्यार हासिल करने, खोया प्यार वापस पाने, दुश्मन का वशीकरण करने और भी बहुत सी ऐसे काम है जिनके द्वारा आप नींबू के द्वारा वशीकरण कर सकते हैं हमारे उपाय मंत्र जानकर। प्रियजनों, नींबू का उपयोग वशीकरण का सबसे सरलतम या सबसे आसान तरीका है। आप किसी भी आदमी, औरत, लड़का, लड़की, किसी भी व्यक्ति, पुरुष, महिला को अपने वश में कर सकते हैं सिर्फ एक नींबू वशीकरण के द्वारा। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे किया जाता है, तो फिर आप आज हमारी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो भी मैं उपाय बताऊंगा उन्हें वैसे ही इस्तेमाल में लाइएगा, क्योंकि दोस्तों जब तक आप सही ज्ञान के साथ इस काम को नहीं करते हैं, तब तक आपको उसमें सफलता नहीं मिलती है। तो इसके लिए हमारी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। नींबू से वशीकरण करने के लिए आपको शनिवार के दिन एक नींबू लेना है। शनिवार शाम 6 बजे के बाद आपने एक उपाय करना है, एक नींबू लेना है और उस नींबू के ऊपर जिसका वशीकरण करना है उसका नाम लिख देना है। नाम लिख देने के बाद आपने एक कील लेनी है, जिसे उस नींबू में गड़ा देनी है। जैसे ही आप उस कील को उस नींबू में गड़ा देंगे, आपने एक कंच का गिलास लेना है, उसमें पानी डालना है और उस नींबू को उसमें छोड़ देना है और उस गिलास को अपने हाथ में लेकर एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र मैंने अपनी वीडियो में दिया है, वहां से उस मंत्र को देख सकते हैं। यह सिद्ध के उच्चारण मंत्र है, जिसका कुछ समय तक उच्चारण किया जाता है तो यह सिद्ध हो जाता है। आपने इसका जाप करना है 151 बार घर में बैठकर उस गिलास को अपने हाथ में लेकर आपने इसका जाप करना है। दोस्तों, आपने उस नींबू पर नाम काले पेन के साथ या किसी स्केच के साथ लिख सकते हैं। जैसे 151 बार आपका जाप खत्म हो जाए, उसके बाद आपने उस नींबू को निकाल लेना और किसी लाल कपड़े के ऊपर रख के उस पे गांठ लगा देनी है और उस पानी को आपने अपने घर के बाहर फेंक देना है। अब जैसे ही ये टोटका खत्म कर लेंगे, उसके बाद आपने उस कपड़े में बंधे नींबू को किसी भी पीपल के पेड़ पर या चलते हुए पानी में जाके बहा आना है। सिर्फ ये छोटा सा उपाय है और सबसे सरल तरीका है नींबू से वशीकरण करने का। आप जैसे ही इस क्रिया को संपन्न कर लोगे, आपको सफलता वहीं से मिलनी शुरू हो जाएगी। मेरे प्रियजनों, आप आज नींबू के द्वारा किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं सिर्फ एक छोटे से उपाय से। तो फिर दोस्तों, देर किस बात की, जब आपको तरीका मालूम हो गया है नींबू से वशीकरण करने का। अगर उपाय टोटके करते समय कहीं पर कोई गड़बड़ परेशानी हो या वीडियो में ही आपको कुछ समझ ना आया हो, तो आप हमारे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। अगर आप कुछ और उपाय मंत्र जानना चाहते हैं या टॉपिक जानना चाहते हैं, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अन्य वीडियो के लिंक दे रहा हूँ, आप वहां से कुछ और वीडियो भी देख सकते हैं। तो प्रियजनों, कहते हुए इजाजत चाहूंगा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब।